हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग इंग्लिश एंड दे आर कमिटिंग मिस्टेक्स ऑन बेसिक ग्रामर्स। तो कई बार क्या होता है कि जब हम इंग्लिश बोलने के लिए जा रहे होते हैं, हम इंग्लिश में हम बात करते हैं तो कुछ बेसिक मिस्टेक कर देते हैं और उस बेसिक मिस्टेक को हम लोग पकड़ नहीं पाते। और अगर हम इस तरह से गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं एक खराब इंप्रेशन सामने वाले को पड़ सकता है। तो क्या वो बेसिक मिस्टेक्स हम करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज के वीडियो में मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा डू डस, इज एम आर, हैव हैज। इसी में हम कुछ मिक्सअप कर देते हैं, जैसे कहाँ इज एम आर लगाना और कहाँ डू डस, या कहाँ इज एम आर या हैव हैज, और डू डस हैव हैज को भी मिक्सअप करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस देखेंगे जो स्पोकन में हम लोग यूज करते हैं। अब यूजुअली एक गलती हम लोग करते हैं, जैसे एक सेंटेंस देखेंगे, क्या तुम स्कूल जाते हो? अब इसके दो आंसर हो सकते हैं जो अक्सर इंडियन बोलते हैं, आर यू गो टू स्कूल, क्लियर है। और एक सेंटेंस, डू यू गो टू स्कूल, तो सही आंसर ऑब्वियसली बात है डू यू गो टू स्कूल। बट जनरली मैं क्या फील करता हूं इन माई क्लासेस ऑल्सो, दोज हु आर बिगिनर मोस्टली वो क्या कर देते हैं, आर यू गो टू स्कूल, ठीक है ना, क्या तुम स्कूल जाते हो, आर यू गो टू स्कूल, आर यू कम माई होम, है ना, यू आर सिट हियर, है ना, आई एम नॉट गो, तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम लोग यूज कर देते हैं। तो इस सेंटेंस को समझने की बात यह है, तेहो से अंत हो रहा है और क्या तुम स्कूल जाते हो, तो एक यूजुअल काम के बारे में आप पूछ रहे हैं जो आपके दैनिक दिनचर्या का एक काम है। जैसे क्या आप सुबह चाय लेते हैं, क्या आप सुबह टहलने जाते हैं, क्या आप जीन्स पहनते हैं, क्या आप आईपीएल मैचेस देखते हैं, इस टाइप के जो यूजुअल काम जो हम डेली रूटीन में करते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं। और आपको पता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है तो हम उसमें डू डस नामक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, इज एम आर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और दूसरे जगह यूज होता है। तो याद रखना, ज्यादातर इंडियन प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लगा देता है, तो कभी भी आर यू गो टू स्कूल नहीं होगा, हमको इस तरह से नहीं बोलना है। तो जैसे क्या आप चाय लेते हैं, तो डू यू टेक टी होगा, आर यू टेक टी नहीं होगा। या जैसे कि वह लेट आता है तो ही इज कम लेट, तो हम लोग ही इज कम लेट बोल देते हैं। अक्सर जो खासकर बिगिनर्स की मैं बात कर रहा हूं, जब वो शुरू शुरू में इंग्लिश बोलने का प्रयास करता है तो ही देखा और उसके साथ इज लगा दिया, तो ही इज कम लेट, तो ही इज कम लेट नहीं होगा, ही कम्स लेट। तो इस चीज को समझना कि कहाँ डू डज और कहाँ इज एम आर लगाना है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम डू डज का यूज करते हैं नेगेटिव और इंट्रो या इंट्रो नेगेटिव में, और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात होती है तो इज एम आर का यूज कर देते हैं। अच्छा, एक और जैसे गलती है, वह क्रिकेट खेलता है, है ना। अब इसका आप बोलोगे ही इज प्ले क्रिकेट, क्लियर है। तो इस टाइप का सेंटेंस बिल्कुल समझ में नहीं आता कि एक्चुअली बना क्या रहे हो, ना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ही इज प्ले क्रिकेट क्या होगा, या तो बोलो भैया ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो जब भी आप इज एम आर लगाते हो और उसके बाद वर्ब आ रहा है तो वर्ब में आई एन जी होना आवश्यक है अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है तो भाई इज कैसे आएगा, तो ही प्ले क्रिकेट। बट आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जब आता है तो फिर ही प्लेस वर्ब में एस या ईएस भी लगाते हैं, तो इस चीज को आपको समझना है और इस चीज में आपको बचना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस को मिक्स नहीं करेंगे। चलिए एक और गलती के बारे में बात करते हैं, खासकर निगेटिव में वो जो होता है, मैं चाय नहीं लेता हूं, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग क्या जनरली गलती कर देते हैं, आई एम नॉट टेक टी। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, देखिए जब मैं क्लास हम कन्वर्सेशन कराते हैं ना तो ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मुझे यही बार बार टोकना पड़ता है कि भाई जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया तो ये कैसे। या एक और गलती भी करते हैं, आई नॉट टेक टी, ये तो और ज्यादा होता है, खासकर ये वाला सेंटेंस नॉट, अक्सर बच्चे जो है क्लासेस में मैं देखता हूं बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट लगा देते हैं। याद रखिए, जहां नॉट लगाना है तो भैया हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट के बाद कभी भी नॉट नहीं आता है, आई नॉट नो,
आई नॉट गोइंग, आई नॉट प्लेड, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो नॉट, देखिए सीधी से बात है, बिना मोजा के जूता पहनते हो क्या? नहीं। तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं लगेगा। अगर आप नॉट लगाने जा रहे हो, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब चाहिए, उसके बाद ही नॉट लगता है। बट फ्लो में जनरली बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, तो ये दोनों से आपको बचना है। तो आई नॉट टेक, तो आई सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद आपने नॉट लगा दिया, गलत है। और दूसरा आप यहाँ पर देखिए, आई एम नॉट, ठीक है, टेक, तो आई एम नॉट टेक, तो ये भी मिक्स। तो यहाँ पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस दोनों को मिक्स करके एक नया ग्रामर बना लिया। भगवान जाने क्या बनाइए, आई एम नॉट टेक टी, क्लियर है? तो एम आ गया है, तो टेक का आपको टेकिंग करना पड़ेगा। बट मैं चाय नहीं लेता हूँ, तो इसका सही आंसर है, मैं चाय नहीं लेता हूँ, आई डू नॉट टेक टी, क्लियर। अब अगले समस्या की बात करें, तो जैसे क्लास में बच्चे से हम पूछते हैं कि भाई वेयर इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कहाँ है, तो वेयर इज योर फादर, तो जनरली लोग क्या आंसर देते हैं, ही इज गोइंग टू ऑफिस। तो जैसे आपने पूछा आपके पिताजी कहाँ हैं, तो आप क्या आंसर देते हो, ही इज गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस जा रहे हैं। नहीं, तो आपके पिताजी कहाँ है मतलब वो तब पूछ रहा है कि वो उसको पता है कि आपके पिताजी यहाँ नहीं है, तो कहीं ना कहीं चले गए हैं, वो जा चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं किसी बच्चे से हिंदी में पूछूं भाई तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो क्या बोलेंगे, वह ऑफिस गए हैं, ठीक है ना? तो वह ऑफिस गए हैं, तो ही इज गोइंग टू ऑफिस थोड़ी ना होगा, ही हैज गॉन टू ऑफिस, क्योंकि वह जा चुके हैं। तो चुका है, चुकी है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब हम बात करते हैं इज एम आर और हैव हैज के बारे में, ठीक है? तो देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर है, और पुराने मेरे सारे वीडियोस आपने देखा है। हैव हैज का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, कि हम किसी चीज़ को जब प्रोसेस करते हैं, उसके मालिकाना हक को बताना चाहते हैं, तो हैव या हैज का यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को आप रखे हुए हो। और इज एम आर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, एक अलग तरीके से, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो यूज़ होता ही है, आप किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कोई जानकारी दे रहे हो, उसकी अवस्था, उसके गुणधर्म, क्वालिटी के बारे में। जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो आई एम अ डॉक्टर। वह एक टीचर है, तो ही इज अ टीचर। मोहन बीमार है, तो मोहन इज सिक। तुम पागल हो, तो यू आर मैड, ठीक है ना? चाय गर्म है, तो टी इज हॉट। तो हम इस तरह से किसी की अवस्था से संबंधित जानकारी देते हैं, उसके गुणधर्म, उनके क्वालिटी से, तो हम इज एम आर का यूज करते हैं। और किसी चीज को जब आप पोसेस करते हो, तो हैव या हैज का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, ठीक है, या मैं कार का मालिक हूं, तो आई हैव अ कार, ठीक है? उसके पास एक कार है, तो ही हैज अ कार। अब देखिए समस्या क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूं, ठीक? हम इज एम आर और हैव हैज को मिक्स कर देते हैं, जो हमको बचना है उससे। जैसे कि एक सेंटेंस है, आई एम फ्रेंडशिप विथ राज, ठीक? अब आप सेंटेंस को देखिए, आई एम फ्रेंडशिप विथ राज, ये गलत है, क्योंकि आप क्या बताना चाहते हो, आई एम फ्रेंडशिप विथ राज मतलब मेरी राज के साथ दोस्ती है, मेरी राज के साथ दोस्ती है। जैसे मेरी एक समस्या है, तो मेरी एक समस्या मतलब समस्या को आप प्रोसेस कर रहे हो, तो आई हैव अ प्रॉब्लम। मेरी राज के साथ दोस्ती है, तो क्या होगा, आई हैव होगा भाई, आई हैव फ्रेंडशिप विथ राज। तो जहां आपको हैव लगाना था, वहां पर आपने एम लगा दिया। तो इस तरह से भी आपको बचना है। तो जब आप किसी चीज को पसेस कर रहे हो, तो वहां इज एम आर नहीं लगेगा, हैव या हैस लगेगा, और आई के साथ हैव लगता है। ठीक उसी तरह से एक और सेंटेंस आप देखिए, आई हैव ऑनेस्ट विथ राज, ठीक? अब देखिए, आई हैव ऑनेस्ट विथ राज, तो मैं राज के साथ ईमानदार हूं, तो हूं मतलब आप अवस्था बता रहे हो। जैसे कि मैं बीमार हूं, मैं राज के साथ ईमानदार हूं, तो जब आप अवस्था बता रहे हैं, तो फिर हैव कैसे लगेगा? तो यहां पर क्या होना चाहिए, आई एम आएगा, आई एम ऑनेस्ट विथ राज, ठीक है, आई एम ऑनेस्ट विथ राज। अच्छा, इसमें भी लोग कैसे गलत कर देते हैं, यहां पे आई एम ऑनेस्टी विथ राज,
ठीक। तो अब ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, तो मेरा राज के साथ ईमानदारी है, मतलब आप अवस्था नहीं बता रहे हो, अब पोसेशन बता रहे हो ईमानदारी का, तो आई हैव ऑनेस्टी विथ राज या आई हैव ऑनेस्टी विथ माई कंट्री। तो इज एम आर और हैव हैज में थोड़ा आपको फर्क समझना पड़ेगा। इज एम आर अवस्था किसी के गुणधर्म क्वालिटीज बताने के लिए होता है, और किसी को जब आप पोसेस करते हो मालिकाना हक की बात बताते हो तो हैव या हैज का प्रयोग करना है। ठीक है, ऑनेस्ट किसी व्यक्ति का चरित्र हो सकता है, एक गुणधर्म हो सकता है, मतलब इज एम आर लगेगा। ऑनेस्टी ईमानदारी, तो ईमानदारी किसी की अवस्था नहीं हो सकती है, ईमानदारी को पोसेस करते हो आप, तो आई हैव ऑनेस्टी होगा, आई एम ऑनेस्टी नहीं हो सकता है। तो इस चीज को आप समझिए आप। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा लें, और दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई और भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताइए, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। और अगर आप टिकटॉक में हैं, लाइकी में हैं, हेलो में हैं, तो मेरे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, मुझे फॉलो कर लें, उसमें भी मैं अलग तरीके से छोटे छोटे वीडियोज़ बना रहा हूँ जहाँ आपको फ़ायदा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a great day.